कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते कई संस्थाएं जरूरतमंदों के लिए सहारा बनी है। ऐसे में संदेश फाउंडेशन ने भी पहल करते हुए जरूरतमंदों को राशन दिया है। यह संस्था दिन रात जरूरतमंदों के लिए अन्न और राशन, जरूरी चीजें व पैकेट्स तैयार कर रही है, इन्हें वितरित करने का कार्य भी कर रही है। कोई भी मजदूर वर्ग भूखा ना रहे, इस बात को प्राथमिकता देते हुए संदेश फाउंडेशन ने गरीबों में चावल, गेहूं, तेल, मिर्ची, नमक के पैकेट्स वितरित किए। देश में कोरोना वायरस का खतरा मंडराने के साथ साथ गरीबों पर भुखमरी का खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि इस महामारी की मार गरीब और मजदूर वर्ग को ही पड़ी है। महामारी के चलते लॉकडाउन किया गया और लॉकडाउन की वजह से सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद किए गए हैं, जिस वजह से गरीब व मजदूर वर्ग दो वक्त की रोटी कमाने में भी असमर्थ है। कई संस्थाएं गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण करने के लिए आगे आई है, किंतु संदेश फाउंडेशन ने एक महीने का राशन देने का कार्य शुरू किया, जिससे इन असहाय लोगों को एक महीने अनाज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। इस फाउंडेशन का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाना है। जब से भारत में लॉकडाउन हुआ है, सब कामकाज जो कि तो रुक चुके हैं। ऐसे में लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में हैं, मगर जो बेसहारा ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनकी संख्या नागपुर शहर में बहुत बड़ी है। ऐसे लोगों को खान पान के लिए, उनको पूरी सुविधा देने के लिए हर कोई स्वयंसेवी संस्था आगे आते हुए नज़र आ रही है। इसी श्रृंखला में आज हम आपको बता सकते हैं कि नागपुर के ये वही श्री अन्नपूर्णा सेवा आर संदेश फाउंडेशन है, इनके जानिब से आज यहाँ देख रहे हो कि तमाम ऐसे ज़रूरतमंदों के लिए, चाहे चावल हो, दाल हो या अन्य कुछ ऐसे सामग्री हो, उन्हें दिया जा रहा है। यहाँ पे पूरा राशन इकट्ठा किया गया है, बड़े पैमाने पे किया गया है, और ये काफ़ी अच्छी बात है कि जिस प्रकार से आज ये जो स्वयंसेवी संस्था के लोग जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं, आगे आ चुके हैं, वो अपने आप में तारीफ़ काबिल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से संचारबंदी लागू की थी, संचारबंदी का पालन करते हुए लोग आ रहे हैं, लेकिन जो ज़रूरतमंद है उनको खाना खिलाने के लिए ऐसे स्वयंसेवी संस्था के आप ये तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। आइए हम रुक करना चाहेंगे, सबसे पहले अग्रवाल साहब हमारे साथ में हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरह से आज ये कार्यक्रम लिया गया है, क्या कहना चाहोगे, आपने अब तक आपका तजुर्बा देखते हुए क्या कहना चाहोगे? ये तो गरीबों की सेवा है, ज़रूरतमंदों की सेवा है, जिनको टाइम पर अनाज नहीं मिल पा रहा, खाने पीने की दिक्कत हो रही है, उनको पहुंचाना ताकि वो अपना भरण पोषण कर सकें। और क्या सुविधाएं देने जा रहे हो? बस जो है आजू बाजू से बाकी लोगों से जो मदद मिल रही है अपने मदद की, वो सबको इकट्ठा करके हम एक म्युनिसिपैलिटी की तरफ से, पुलिस महकमे की तरफ से, दूसरे महकमे की तरफ से उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। अब तक कितने लोगों तक सेवाएं पहुंचाएगी? कितना आइडिया नहीं है भाई, 50,000 लोगों तक टोटल। हमारे कुछ और भी साथी हमारे साथ में आएंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे। आप बताए कितने लोगों तक? 50,000 लोगों तक के पहुंचाने की है। अच्छा, प्रयास तो पूरा यही है, अब देखते हैं ये लॉकडाउन कितने दिन तक चलता है, तब तक के कोशिश जारी रहेगी। बिल्कुल, कोशिश जारी रहेंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ऐसे ज़रूरतमंदों के लिए इस प्रकार के जो कामकाज है बहुत बेहतरीन तरीके से। सर, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? यह कार्यक्रम हमारे रम्मू बी अग्रवाल जो संदेश दवा बाज़ार के मालिक है, उन्होंने जब ये आपदा आई है उस समय उनके मन में आया कि क्यों ना ऐसा जो लोगों को तकलीफ हो रही है उनको सहायता प्रदान की जाए। तो विद इन 2 आवर्स प्लानिंग की गई, ग्रुप बनाया गया और साथ में साथी जुड़ते चले गए और 50,000 लोगों को मदद करने का हमारा ध्येय है। तो अभी तक के हम 10,000 लोगों को कर चुके हैं, आने वाले दिनों में हम पूरे 50,000 लोगों को पूरा कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल, और ज़रूरतमंदों को देख के हम पहले इंस्पेक्शन कर रहे हैं और जो एक्चुअल ज़रूरतमंद है उनको पहुँचा के भी दे रहे हैं, और इसमें NMC का, पुलिस का और बाकी सब डिपार्टमेंट का सहयोग लिया जा रहा है। सभी के सहयोग से काम बनता है। गिरीश भाई, आप बता, आप क्या कहना चाहोगे? हमारे सरकार की इस जो आपदा की घड़ी में जो आया है हमारा देश, आर संदेश फाउंडेशन के माध्यम से ये जो हमने मुहिम को हाथ में लिया है, हम इसमें कोशिश करेंगे कि जब तक देश इस परेशानी की घड़ी से बाहर ना निकले तब तक गरीब लोगों को मदद आगरी तक पहुँचाए। और हम कोशिश कर रहे हैं राशन के अलावा मास्क, सैनिटाइजर और अन्य PPE किट भी मेडिकल डिपार्टमेंट को दिया है। सारे तरीके से सरकार को
सभी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आर्ट संध्या फाउंडेशन में रमू भैया अग्रवाल के अलावा सारे अग्रवाल समाज अन्य समुदाय के लोग इन्हें हमारे इस ग्रुप के अंदर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे समुदाय के सारे दोस्त लोग जुड़ करके कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और गरीब लोगों की इसके अंदर में मदद हो सके। माध्यम से एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, सभी गरीब जनता को कोई भी ऐसा आत्महत्या का प्रयास न करे और ऐसा कोई मायूस न हो, क्योंकि अगर ये दुख की घड़ी आई है तो ये जाएंगी ज़रूर, और उनसे अगर नहीं संभल पा रहा है तो वो कृपया हमसे संपर्क करें, हम उनको समझा के कि भाई दुख की घड़ी आई है तो ये भी जाएंगी, सुख की घड़ी भी आएंगी। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि कृपया ऐसे गरीब लोग जो निराश हताश हो रहे हैं वो ऐसा ना हो, कृपया इन्हें संबल बनाए रखें, हम उनके साथ हैं। बिल्कुल, आप इनके साथ है, कहते हैं कि सुख में सब साथी दुख में ना को, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस से जो ये परिस्थिति बनी है हर कोई दुखी दिखाई देता है, खासतौर पर ज़रूरतमंद, और इन दुखी लोगों के लिए ही इनके काम काज आने के लिए तमाम हाथ जो है आज बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। ये सबसे अच्छी एक देश के में एक काफ़ी अच्छी मिसाल है। अग्रसेन भवन से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरे, इन बी सी एन न्यूज़ नागपुर।